युवराज सिंह के पिताजी योगराज सिंह फिर से एमएस धोनी को बुरी तरह से क्रिटिसाइज किए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग योगराज सिंह जी को तो जानते ही होंगे, वो फॉर्मर इंडियन प्लेयर युवराज सिंह के पिताजी हैं। योगराज सिंह ने भी अपने समय में टीम इंडिया के लिए 7 अपीयरेंस किए थे। पब्लिक प्लेटफॉर्म में फॉर्मर इंडियन कैप्टन एमएस धोनी को क्रिटिसाइज करने के लिए युवराज सिंह लाइमलाइट पर आते हैं। इससे पहले कई बार वो महेंद्र सिंह धोनी को बदतर से बदतर तरीके से क्रिटिसाइज किए हैं, एक्यूज किए हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के वजह से ही युवराज सिंह के करियर खत्म हो गया। यहाँ तक कि वो महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर हाथ उठाने तक की भी बात किए हैं। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान योगराज जी ने फिर से महेंद्र सिंह धोनी पर क्रिटिसाइज करते हुए बोले, मैं महेंद्र सिंह धोनी को कभी माफ नहीं कर सकता हूँ, उसे अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा क्रिकेटर है, लेकिन उसने जो मेरे बेटे के साथ किया वो सब अभी बाहर आ रहा है, जिंदगी भर वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। मैं 2 चीज कभी नहीं किया हूँ जिंदगी में, फर्स्ट मैं उसे कभी माफ नहीं किया हूँ जो मेरे साथ गलत किया है, एंड सेकंड मैं उन लोगों को कभी हक नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरा फैमिली मेंबर्स हो या मेरा बच्चा। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की वजह से ही युवराज सिंह का करियर डिस्ट्रॉय हो गया था? आपका ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना।